आपका स्वागत है। मैंने आपसे बताया था कि बहुत ही जल्द हम तजर्बा के साथ साथ आयत और वर्ग और व्रत और त्रिभुज की क्लास स्टार्ट करेंगे। ये क्लासेस चलेगी, एक दिन अलजब्रा की क्लास होगी। अलजब्रा की बहुत से ज़्यादा अगर बात की जाए तो 5 से 6 क्लास में अलजब्रा समाप्त हो जाएगा। अलजब्रा बिल्कुल अपने अंतिम पड़ाव पर, बिल्कुल पूरा अलजब्रा का पढ़ा दिया गया पूरा सिलेबस। और अब हम लोग स्टार्ट करने वाले फिर व्रत फिर ऐसे धीरे धीरे करके सारी क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। हमारी जो वर्ग की हैं 3 क्लासेस होंगी, 3 क्लास में ही पूरा जो हमारा वर्ग है स्क्वायर है ये पूरा का पूरा टॉपिक समाप्त हो जाएगा। 3 क्लास में पूरा वर्ग को हम लोग डिस्कस कर लेंगे, पूरे के पूरे वर्ग को। वर्ग एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है जिसको हम लोग आसानी से 3 क्लास में कवर कर लेंगे और 3 से 4 क्लास में आयत कवर कर लेंगे। 3 से 4 क्लास में हम लोग त्रिभुज को कवर कर लेंगे। 3 से 4 क्लास में व्रत को कवर कर लेंगे। मतलब ये मान के चलिए कि 40 क्लासेस में वर्ग आयत व्रत और त्रिभुज 40 का 30 ही क्लास में मान के चलिए ये सब कवर हो जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। वर्ग बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझिएगा। जो हमारी क्लासेस हैं ये SSC बैंक रेलवे UPP UPSI कांस्टेबल लेखपाल UP TET SuperTET CTET जितने भी आपके पेपर होते हैं उन सब बेस होती हैं। हम लोग इसीलिए कोई भी ये नहीं डालते हैं कि ये लेखपाल इम्पॉर्टेंट है या UPP इम्पॉर्टेंट है। ये सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, ये सभी को पढ़ना है, ये सभी के पेपर्स में पूछे जाते हैं। तो किसी के लिए कोई अलग चीज़ नहीं आती। वर्ग एक ही रहेगा हमेशा, वर्ग वही रहेगा, क्षेत्रफल हमेशा इसका एक ही रहता है, परिमाप हमेशा एक ही रहता है, विकर्ण हमेशा एक ही रहता है, डायगोनल हमेशा एक ही तो रहता है। तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो सबसे पहले हम लोग वर्ग के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं और वर्ग को समझते हैं कि वर्ग होता क्या है ना। सबसे पहले हम लोग वर्ग के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। वर्ग के बारे में समझिएगा सभी लोग, ये एक वर्ग है, हमने इसको एक वर्ग ले लिया, ठीक है। वर्ग में क्या होता भैया कि जो वर्ग की साइड्स होती हैं, सभी भुजाएं जो होती हैं, हमने कह दिया कि ए बी और सी और डी, ए बी सी डी एक वर्ग है। वर्ग की जो भी साइड्स होती हैं, जो भी भुजाएं होती हैं, वो हमेशा इक्वल होती हैं। वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। हम ये कह सकते हैं अगर ये भुजा ए है तो ये भी भुजा ए होगी, ये भी भुजा ए होगी और ये भी भुजा ए होगी, ठीक है। वर्ग में 2 विकर्ण होते हैं, एक डायगोनल हमने ये डाल दिया, डायगोनल हमने कह दिया D1, और दूसरा डायगोनल ये डाल दिया और दूसरा डायगोनल हमने कह दिया D2 है। तो वर्ग के दोनों विकर्ण आपस में समान होते हैं, वर्ग के दोनों विकर्ण आपस में समान होते हैं। सुनते चलिए एक चीज को, वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, वर्ग के दोनों विकर्ण आपस में समान होते हैं और वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है और इसके दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। और वर्ग के दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। बताइए यहां तक की कोई परेशानी? फिर से बोल दिया जाए एक बार, सभी लोग सुन लेंगे। वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, वर्ग के दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं और दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। वर्ग के चारों अंतः कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है तथा एक कोण का मान 90 डिग्री होता है। वर्ग के चारों अंतः कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है तथा एक कोण का मान 90 डिग्री होता है। बस यही वर्ग है। अब आपसे प्रश्न क्या पूछेगा, वर्ग का क्षेत्रफल बताओ, वर्ग का परिमाप बताओ, वर्ग का ये बताओ, वर्ग का वो बताओ, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। छोटी छोटी सी चीजें हैं, कुछ भी नहीं है कठिन, बहुत आसान है वर्ग। जैसे आपका पेपर पूछा वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल मीन्स होता है एरिया। वर्ग का एरिया आपसे पूछे तो आप कह देना भुजा स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर कर दिया जाए, भुजा का 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया जाए, वही हमारा क्या होता है, एरिया होता है, ठीक है। अब आपसे पूछे वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप होता है, पेरीमीटर जो होता है वो होता है 4a, ये होता है हमारा वर्ग का परिमाप। परिमाप किसी भी चीज़ का हो, परिमाप मीन्स होता है सभी भुजाओं का योग, परिमाप मीन्स होता है सभी भुजाओं का योग। तो जैसे वर्ग का परिमाप निकाला तो वर्ग में कितनी भुजाएं हैं, 4 भुजाएं, 1, 2, 3, 4, तो सभी भुजाओं का योग ही क्या होता है, परिमाप होता है। तो 4 भुजाएं तो परिमाप कितना हो गया, 4a। कहा जाए वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण, तो वर्ग का विकर्ण होता है a√2। वर्ग का विकर्ण क्या होता है, a√2। वर्ग का विकर्ण होता है a√2।
अब सबसे बड़ा कन्फ्यूजन बेटा बच्चे क्या आता है, जब वर्ग का विकर्ण प्रश्न में दिया जाए और आपसे कहे क्षेत्रफल बताओ, तो बच्चे वहां पे क्या करते हैं, पहले वर्ग के विकर्ण से भुजा निकालते हैं, फिर भुजा निकालने के बाद क्षेत्रफल बताते हैं। तो उसके लिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला बता दे रहे हैं, क्षेत्रफल इक्वल टू विकर्ण का स्क्वायर, विकर्ण मीन्स डायगोनल, विकर्ण का स्क्वायर अपॉन में टू, ये होता है। यहाँ ब्रैकेट में लिख लेना, ये फॉर्मूला तब लगाओगे जब विकर्ण दिया जाए और क्षेत्रफल पूछा जाए, जब विकर्ण दिया जाए और क्षेत्रफल पूछा जाए, ये आप लिख लीजिएगा, ठीक है। जब आपको वर्ग का विकर्ण दिया जाए और आपसे क्षेत्रफल पूछे, तो हम लोग वर्ग का विकर्ण जब दिया जाएगा तो विकर्ण का स्क्वायर बटे दो कर देंगे, हमारा क्षेत्रफल डायरेक्ट निकल आएगा, सेकेंडो में निकल आएगा, कोई भी समय नहीं लगने वाला है, बताइए। तो ये चार फार्मूले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं यहाँ से प्रश्न, इनको सब लोग जल्दी से नोट डाउन कर लो, फिर आगे हम लोग प्रश्न लेते हैं और समझते हैं, एक एक प्रश्न को करते हैं, ठीक है, हल करते हैं, इसके बाद बढ़ाया जाएगा। चलिए आइए पहला प्रश्न लेते हैं। ये अब एक एक प्रश्न को आप लोग समझना भैया और उत्तर देना है आप ही को। कह रहा है एक वर्ग की भुजा 16 सेंटीमीटर लंबी है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या बताइए। वर्ग है, वर्ग की भुजा जो है 16 सेंटीमीटर लंबी है, वर्ग की सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं, समान होती हैं, तो वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है। क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर, तो भुजा कितनी है 16, तो 16 का स्क्वायर कर दोगे तो इसका एरिया कितना आ जाएगा, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका एरिया बाबू कितना आ गया, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीन्स आपको वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता हो और आप सेकंड्स में आंसर दे सकते हो अगर आपसे क्षेत्रफल पूछा जाए। तो वर्ग की भुजा आपको दिया गया था, वर्ग की भुजा 16 सेंटीमीटर है और भुजा का स्क्वायर ही क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। चलें आगे बढ़िए। अगला प्रश्न ये है, एक वर्ग की भुजा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, एक वर्ग है, ठीक है, इसकी भुजा की लंबाई 24 सेंटीमीटर, मीन्स इसकी सभी भुजाएं क्या होंगी, 24 सेंटीमीटर लंबी होंगी। इतनी बात तो आपको पता ही पता है कि वर्ग की चारों भुजाएं आपस में समान होती है ना। अब हमसे कहा वर्ग का क्षेत्रफल बताओ, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो हमें भुजा कितनी दी गई, 24, तो 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 576 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा एरिया आ गया। दूसरा प्रश्न कह रहा है वर्ग का विकर्ण बताइए, तो वर्ग का डायगोनल क्या होता है, डायगोनल अभी हमने बताया ए रूट टू, भुजा रूट दो, तो भुजा हमारी कितनी है 24, और 24 रूट दो सेंटीमीटर, ये हमारा विकर्ण हो जाएगा डायगोनल। पेरीमीटर बताओ, वर्ग का परिमाप बताओ, परिमाप क्या होता है, 4a होता है, तो 4 गुणे भुजा, भुजा कितनी है 24, 24 चौको 96 सेंटीमीटर, ये वर्ग का परिमाप हो जाएगा। देखिए तीनों फॉर्मूले याद थे और तीनों आंसर निकालने में हमें 30 सेकंड का समय लगा होगा, इससे ज़्यादा का समय नहीं लगा होगा। बताइए कोई परेशानी, किसी को कहीं पर कोई डाउट है बाबू, कुछ ना समझ में आ रहा हो तो बताइए, सबको समझ में आ रहा है, आगे बढ़ाया जाए। चलिए ये अगला प्रश्न दिया गया है, प्रश्न थोड़ा सा आज गलत लग गए हैं, प्रश्न इधर लगने चाहिए, हाँ चलिए अब पढ़िए सभी लोग। प्रश्न क्या दिया गया है आपका, दिखाई दे रहा है, कोई डाउट, आगे बढ़ाया जाए। चलिए कह रहा है इफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज 10 सेंटीमीटर, 10 रूट 2 सेंटीमीटर है, इज देन व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द, ठीक है, यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई इतनी है तो वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। देखिए अब एक वर्ग आपको दिया गया, ये हमने कह दिया एक वर्ग है, ठीक है, इसके विकर्ण की लंबाई दी गई, ये हमारा विकर्ण है, डायगोनल है, विकर्ण की लंबाई दी गई है 10√2 सेंटीमीटर। एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई आपको दी गई 10√2 सेंटीमीटर, आपसे कह रहे हो वर्ग का क्षेत्रफल बताओ, मीन्स वर्ग का आपसे एरिया पूछा गया, वर्ग का एरिया पूछा गया, क्षेत्रफल पूछा गया, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है जब विकर्ण दिया गया है, तो जब विकर्ण दिया जाता है तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हो, विकर्ण का स्क्वायर बटे में दो। ये फॉर्मूला भैया कभी मत भूलिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये बहुत बार प्रश्नों में पूछा गया है, यहां से बच्चा डाइवर्ट हो जाता है, वो विकर्ण से भुजा पर जाता है फिर जाके उत्तर देता है, बिल्कुल नहीं। आपको फॉर्मूला पता है कि जब वो वर्ग का विकर्ण दिया गया हो तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्षेत्रफल बराबर होता है विकर्ण का स्क्वायर बटे दो, डायरेक्ट विकर्ण का स्क्वायर करो अपॉन में दो करो, क्षेत्रफल उसको बता दो, ठीक है। विकर्ण आपको कितना दिया गया भैया, विकर्ण आपको कितना दिया गया 10√2, तो 10√2 का स्क्वायर कर दो
और बटे में कितना कर दो, दो, तो 10 दहम 100 और रूट दो का स्क्वायर 2, तो बटे में 2 ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो वर्ग का क्षेत्रफल आ गया। बताइए कोई परेशानी है कहीं पर, कोई डाउट? बहुत ही आसान है वर्ग, बिल्कुल आसानी से आपको समझ में भी आ जाएगा। हम लोग लगभग 40 से 50 प्रश्न डिस्कस करेंगे वर्ग के और सभी को समझ में आएगा। आज हम लोग ने एक एक क्वेश्चन लिया, कल फिर हम लोग लेंगे, परसों फिर लेंगे, जिससे आपको बिल्कुल ये तैयार हो जाए। 4 दिन के अंदर पूरा वर्ग आपको कंप्लीट तरीके से हमें तैयार करा देना, पढ़ाना नहीं है, तैयार करा देना है ना। चलिए आइए अगला प्रश्न लीजिए। कह रहा एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 196 वर्ग मीटर है, मीन्स एक वर्गाकार जो है उसका क्षेत्रफल दे दिया गया है। क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 196 मीटर स्क्वायर। कह रहा है एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल, एक वर्ग है इसका एरिया दे दिया गया, मीन्स भुजा स्क्वायर बराबर 196 दे दिया गया, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। उसने कहा एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 196 वर्ग मीटर है, मीन्स वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया है, तो क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर इक्वल टू 196, तो ये किसका स्क्वायर है, 14 का स्क्वायर, तो ए बराबर 14, तो वर्ग की भुजा कितनी आ जाएगी, 14 मीटर। तो इसकी भुजा की लंबाई बताइए, तो भुजा कितनी हो जाएगी भैया, 14 मीटर हो जाएगी। बताइए कोई परेशानी कहीं पर, कोई डाउट, सबको आ रहा समझ में? इधर से, अच्छा यहाँ पे इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लगेगा, और अंडर रूट जब लगेगा तो किसी संख्या को अंडर रूट से बाहर निकालने के लिए वो संख्या जिसका स्क्वायर होती है वो अंडर रूट के बाहर आ जाता है। 196 जो है 14 का स्क्वायर है, तो 14 अंडर रूट के बाहर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़िए, फिर से बहुत अच्छा प्रश्न है ये वाला, सभी लोग समझेंगे इसको। एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका विकर्ण 12 सेंटीमीटर का आधा है। विकर्ण क्या है भैया, विकर्ण जो है वो क्या है, 12 सेंटीमीटर का आधा है। विकर्ण जो है 12 सेंटीमीटर का आधा है, मीन्स कितना है, 6 सेंटीमीटर है। और जब विकर्ण दिया गया है तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हो, विकर्ण का स्क्वायर, विकर्ण का स्क्वायर बटे में 2। जब आपको विकर्ण दिया गया हो तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालना सबसे आसान है, कैसे, विकर्ण का स्क्वायर बटे 2, तो विकर्ण कितना है 6, और 6 का स्क्वायर बटे में 2, 6 × 36 बटे 2 कितना हो जाएगा, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ कहीं पर कोई समस्या, किसी को कोई डाउट? देखिए बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आपके यूपीपी, लेखपाल, यूपीएसआई और दिल्ली पुलिस, SSCGD, MTS और CHSL, ऐसे पेपरों में ये प्रश्न पूछे जाते हैं नॉर्मल वाले, कि ये दिया गया है तो ये बताओ, वो दिया गया तो वो बताओ, नॉर्मल प्रश्न उसी पेपर में पूछे जाते हैं, तो ऐसे प्रश्न आपको इन्हीं पेपरों में देखने को मिलेंगे। टेट, सुपर टेट जैसा बिल्कुल ऐसा ही रहेगा, हाँ हाँ टेट सुपर टेट भी ऐसा ही रहेगा। बताइए कोई परेशानी, किसी को कोई डाउट, आगे बढ़ाया जाए। चलिए यहाँ पे जो 6 लिया गया है भैया, देखिए कहा गया है एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, वर्ग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है जिसका विकर्ण 12 सेंटीमीटर का आधा है। उस वर्ग का क्षेत्रफल बताओ जिसका जो विकर्ण है वो 12 सेंटीमीटर का क्या हो, आधा हो, तो 12 सेंटीमीटर का आधा कर दिया तो 6 सेंटीमीटर तो होगा, तो वर्ग का विकर्ण कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए अच्छा इससे पहले भी 5, ठीक है 6। कह रहा एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई इतने सेंटीमीटर है, वर्ग की भुजा की लंबाई बताइए, ठीक है। वर्ग का विकर्ण क्या होता है, वर्ग का विकर्ण होता है √2, √2 की लंबाई कितनी दी गई है, 26 सेंटीमीटर। कह रहा है एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 26 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का विकर्ण होता है √2, √2 का मान दिया गया है 26 दिया गया है ना, कोई परेशानी यहाँ पे, कोई डाउट नहीं ना। चलिए इस √2 से इसको डिवाइड कर दो तो 26 बटे √2। अब क्या करिए, √2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए और √2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए बराबर हो जाएगा, 26 का √2 में मल्टीप्लाई करोगे 26 √2 हो जाएगा, और बटे में √2 का √2 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 2, और कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 13√2। तो इस वर्ग की भुजा कितनी आ जाएगी, 13√2 आ जाएगी। बताओ कोई परेशानी,
एक वर्ग का विकर्ण, देखो कह रहा है एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 26 सेंटीमीटर है, एक वर्ग का जो विकर्ण है वो 26 सेंटीमीटर लंबा है, तो वर्ग के विकर्ण की लंबाई आपको दी गई थी, मींस ए रूट टू का मान आपको 26 दिया गया था, रूट टू से ये इधर बटे में चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, रूट टू से ऊपर रूट टू से नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, तो रूट टू का रूट टू में मल्टीप्लाई करोगे 2 आ जाएगा, 2 से 26 को काट दिया कितना आ गया 13, तो भुजा की लंबाई कितनी आ गई 13 रूट टू, ये आंसर में था। बताइए कोई परेशानी कोई डाउट भैया, बोलते चलो, अगर कहीं कुछ नहीं समझ में आ रहा तो बताओ। देखो वर्ग, आयत, वृत्त और त्रिभुज, कहीं पर कोई परेशानी आपको नहीं आएगी, हम चारों चैप्टर्स को बिल्कुल आसानी से आपको समझाते हुए एक एक पॉइंट क्लियर करते हुए पढ़ाएंगे, बिल्कुल कोई डाउट नहीं होगा, हाई लेवल भी पढ़ाएंगे, बिल्कुल परेशान मत हो, 2 से 3 क्लास नॉर्मल चलेंगी, उसके बाद 2 क्लास हाई लेवल के क्वेश्चंस होंगे जहाँ पे थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे ना, पहले हम आपको वर्ग और आयत के बारे में बता तो दें कि वर्ग और आयत होता क्या है, सब कुछ आएगा बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हमारे पढ़ाने के बाद आपके पेपर का कोई भी प्रश्न बाकी नहीं रह जाएगा जो लगे ना आपसे, ठीक है बिल्कुल। चलिए आइए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सभी लोग पढ़ें जल्दी से, कह रहा है एक वर्ग का विकर्ण 10 सेंटीमीटर है, उस वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या होगी जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल का 2 गुना है, ठीक है 2 वर्ग हैं यहाँ पे, अब बात समझना, दोनों क्वेश्चंस में अजीब सी कहानी होगी, थोड़ा सा अब समझना होगा, ये हमने ले लिया, कह रहा है एक वर्ग का विकर्ण 10 सेंटीमीटर, हमने कह दिया इस वर्ग का विकर्ण कितना है 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, कह रहा उस वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या होगी, हमसे इसकी लंबाई पूछी है, इस वर्ग के विकर्ण की लंबाई पूछी है, ठीक है, उस वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या होगी जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल का 2 गुना, इसका जो क्षेत्रफल होगा इससे ये कितना हो जाएगा 2 गुना होगा, इतनी बात क्लियर हो रही है, इसका आपको विकर्ण बताना और इसका क्षेत्रफल क्या है इससे 2 गुना है, सुनते जाइएगा, अब सबसे पहले हम इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालें, इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालो, तो जब विकर्ण दिया गया तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हो, विकर्ण का स्क्वायर मतलब 10 दशम 100 बटे में 2, विकर्ण का स्क्वायर बटे में 2, तो इसका क्षेत्रफल कितना आ गया 50 आ गया ना, कह रहा उस वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या होगी जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल का कितना हो 2 गुना, अगर इसका 2 गुना है तो ये कितना हो जाएगा 100, इतनी बात सबको क्लियर हो रही है, बताओ भैया कोई डाउट है कहीं पर, कोई डाउट नहीं है ना, देखो इसमें इसकी हमें विकर्ण दिया गया था 10 सेंटीमीटर, और जब वर्ग का विकर्ण दिया जाए तो क्षेत्रफल आप कैसे निकालते हो, विकर्ण का स्क्वायर बटे 2, तो 10 का स्क्वायर कर दोगे कितना हो जाएगा 100, और बटे में 2 करोगे तो 50, इसका क्षेत्रफल 50 आ गया, और इससे इसका क्षेत्रफल कितना है 2 गुना, तो इसका क्षेत्रफल कितना है 100, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का मान यहाँ पे 100 है, तो ए बराबर कितना आ जाएगा 10, मीन्स यहाँ पे जो है वर्ग की भुजा कितनी होगी 10, यहाँ पे हमसे इसका विकर्ण पूछा है, तो विकर्ण क्या होता है a रूट टू होता है, विकर्ण a रूट टू ही तो होता है, तो वर्ग की भुजा यहाँ पे कितनी है 10, तो इसका विकर्ण हो जाएगा 10√2, ये देखिए आ गया, बताओ कोई परेशानी है, फिर से एक बार समझा दें, आ गया समझ में, अच्छा चलो समझ लो, इस वर्ग का विकर्ण दिया गया इसका हमने क्षेत्रफल सबसे पहले निकाला, विकर्ण का स्क्वायर बटे 2, विकर्ण 10 का स्क्वायर 100 बटे में 2, तो इसका क्षेत्रफल कितना आ गया 50, कह रहा इससे जो है इसका जो क्षेत्रफल है इसका 2 गुना इसका क्षेत्रफल है, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो गया 100, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, मीन्स भुजा स्क्वायर का मान कितना है 100, और 100 किसका स्क्वायर है 10 का, तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा, इधर अंडर रूट लगेगा, यहाँ पे कितना बाहर आ जाएगा 10, और वर्ग का विकर्ण कितना होता है ए रूट टू होता है, तो ए हमारे पास 10 है, यहाँ पे पुट कर दिया 10√2, वर्ग का विकर्ण आ गया, बताओ कोई परेशानी, आसान तो है कहीं पर कोई डाउट नहीं होगा हमें लग रहा है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आइए अगला प्रश्न और अच्छा है, एक वर्ग का विकर्ण 14 सेंटीमीटर है, उस वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या होगी जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल का 2 गुना है, हमारे हिसाब से आंसर 14√2 आएगा, क्यों देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, यही सेम प्रश्न है, यहाँ पे इसका विकर्ण 10 था और इसका क्षेत्रफल 2 गुना हुआ, तो इसका विकर्ण 10√2 आ गया, यही यहाँ पे भी यही बात ही कह रहा है, सेम प्रश्न ही है ये, देखिए यही कह रहा है, सुनिएगा आप सभी लोग, हमने 2 वर्ग बनाए, फिर से
वही बना है ना। कह रहा है एक वर्ग का विकर्ण 14 सेंटीमीटर, हमने कहा ये विकर्ण 14 सेंटीमीटर का है तो इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, विकर्ण का स्क्वायर मीन्स 14 × 14 विकर्ण का स्क्वायर बटे दो, 2 × 14 इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 98, इसका क्षेत्रफल हो गया 98 विकर्ण का स्क्वायर बटे दो से। अब अगर उस वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या होगी, हमसे इसकी लंबाई पूछ रहा है, उस वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या होगी जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल से कितना है, दो गुना का मतलब क्या 196 मीन्स इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है 196, दोनों अलग अलग चीजें हैं, समझ पा रहे हो। कह रहा है इससे जो है इसका क्षेत्रफल दो गुना हो जाता है, तो अगर ये 98 तो कितना हो जाएगा 196, अगर इसका क्षेत्रफल 196 है तो ए स्क्वायर का मान 196 दिया गया, तो इधर से जब स्क्वायर हटाओगे तो इधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, और अंडर रूट 196 किसका स्क्वायर होता है, 14 का स्क्वायर 196 होता है, और वर्ग का विकर्ण क्या होता है भैया, वर्ग का विकर्ण होता है ए रूट टू, 14 निकाल लिया आपने ए का मान, तो ए का मान 14 निकाल लिया, पुट कर देंगे 14 रूट दो, देखिए सेम आंसर है। अब आप समझ गए होंगे जब भी क्षेत्रफल को दो गुना किया जाए तो विकर्ण जो है पहले वाले विकर्ण से रूट तो रूट टू बढ़ जाता है, बस रूट टू गुना हो जाता है, इतना हो रहा प्रोसेस में। वैसे क्वेश्चन लगा लेना, इतना याद करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन बहुत आसान है, जैसे जैसे लैंग्वेज है वैसे वैसे उसको लगा दो, समय ही बचेगा आपका, कुछ भी याद करने की जरूरत, थोड़ी सी मैथ में याद नहीं करना होता, मैथ में सिर्फ क्वेश्चन को समझो लगाने का प्रयास करो, बस कैलकुलेट करिए ना। चलिए आइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, अब बहुत ही अच्छा प्रश्न, चलो समझना सभी लोग, सॉरी फिर से लेते हैं एक वर्ग, ये हमने एक वर्ग बना दिया। कह रहा है यदि वर्ग की सभी भुजाओं में 20% की वृद्धि हो जाती है तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, मीन्स वर्ग की प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ाया जाता है, प्रत्येक भुजा को कितना बढ़ाया जाता है 20% बढ़ाया जाता है, तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर होता है। बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्नों में एक प्रश्न ये भी है जो आपके पेपर में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। कह रहा है यदि एक वर्ग की सभी भुजाओं में 20% की वृद्धि की जाती है तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, मीन्स प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ाया जाए तो क्षेत्रफल में कितनी परसेंट वृद्धि होगी, मीन्स ये जो है ये भुजा ए ही तो है, ए को 20% बढ़ाया गया, 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 मीन्स वर्ग की सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं, तो क्षेत्रफल कितनी बार है ए गुणे ए है। हमेशा क्वेश्चंस के जहाँ पे पूछा जाएगा आप वहाँ पे पहुँचना और वहाँ पे देखना कि जो वैल्यू पूछी जा रही है वो कितनी टाइम्स है। यहाँ पे क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, मीन्स ए गुणे ए बनेगा ना, ए गुणे ए बनेगा, तो ए को 20% बढ़ाते हैं और ए को 20% बढ़ाते हैं, इसको 20% बढ़ाएंगे और इसको 20% बढ़ाएंगे, और जब भी दो बार प्रतिशत परिवर्तन हो और कुल वृद्धि पूछ रहा हो तो यहाँ पे बाबू आप हमेशा ध्यान रखना, प्रतिशत परिवर्तन में आपको 10 बार पढ़ाया गया होगा प्रतिशत में कि प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100, हमेशा इसी फार्मूले को याद कर लेना, एक बार को एक्स कह देना और दूसरे बार को वाई कह देना बस, लेकिन आपको परिवर्तन दो बार होना चाहिए, जैसे ए गुणे ए तभी एक एक्स बनेगा दूसरा वाई बनेगा, अगर सिर्फ 20% की वृद्धि होती तो एक्स बनता और वाई आपके पास नहीं आता, तो आपका आंसर यहाँ से नहीं निकलेगा, फिर वो कुछ और पूछ रहा है आपसे, ठीक है, तो समझना। अब इसमें x को 20% जब बढ़ाएंगे तो प्लस, जब घटाएंगे तो माइनस, जब बढ़ा रहे हैं तो प्लस, 20 प्लस 20 और प्लस 20 गुणे 20 बटे में 100, तो दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगे और 20 और 20 40 और दो दुनी 4 कितना हो जाएगा 44%, बताओ कोई परेशानी, ये देखो आंसर आ गया आपका 44%। हमेशा ध्यान रखना कि जब भी क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा तो दो टाइम्स होगा ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर एक बार ए दोबारा ए,
ए को 20% बढ़ाते हैं, ए को 20% बढ़ाते हैं, तो ए को 20% बढ़ा दिया, ए को 20% बढ़ा दिया, तो यहाँ पे कुल क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी? तो यहाँ पे प्रतिशत परिवर्तन का फॉर्मूला लगाइएगा, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100, ठीक है। जब भी वृद्धि होगी तब प्लस लगाओगे, जब भी माइनस होगी तब कमी लगाओगे ना, माइनस होगी तो कमी का चिन्ह मतलब माइनस का चिन्ह लगाओगे, कमी होगी तो माइनस और वृद्धि होगी तो प्लस। सबको समझ में आ गया होगा हमें लगता है, कहीं पर कोई डाउट नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है यदि एक वर्ग की सभी भुजाओं में 10% की, अच्छा इस बार 10% की वृद्धि की बात कर रहा है, तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी? क्षेत्रफल में तो वही प्रतिशत परिवर्तन, प्रतिशत परिवर्तन का फॉर्मूला लगाइए। प्रतिशत परिवर्तन क्या कहता है? प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100, प्रतिशत परिवर्तन का फॉर्मूला यही होता है, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। तो भुजाओं को 10% की वृद्धि की जाती है, मीन्स ए स्क्वायर भुजा स्क्वायर क्षेत्रफल होता है, ए बराबर 10% और ए बराबर 10%, ए यहाँ पे दो बार है तो ए बराबर 10% और ए बराबर 10%, एक को एक्स कह दो दूसरे को वाई कह दो, तो 10 + 10 + 10 गुणे 10/100, तो दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगे तो कितना हो जाएगा 21%, क्योंकि 10 और 10 = 20 और एक का गुणा करोगे एक, तो कितना परिवर्तन 21%। बताओ, बहुत ही आसान प्रश्न है ये आपके पेपर में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्नों में एक है, जहाँ से आपके पेपर में खूब पूछा जाता है, मन भर के पूछते हैं ये लोग, जी भर के। बताओ कोई डाउट कहीं पर? बहुत ही आसान प्रश्न भी है ये, इसमें कुछ करना नहीं होता, बहुत कुछ ज़्यादा नहीं होता, बस आप ये फार्मूले को याद रखिएगा, बस आपका आंसर आ जाएगा। यही फार्मूला आयत में लगता है, यही फार्मूला वृत्त में लगता है, यही फार्मूला त्रिभुज में लगता है, यही फार्मूला वर्ग में लगता है, सेम सब कुछ, सिचुएशन एक ही है, ठीक। तो इस फार्मूले को याद रखिएगा, ये बहुत लाभदायक है, ये बहुत सारे प्रश्नों में लगता है, बहुत सारे प्रश्नों में लगता है। चले आगे बढ़ा जाए, आइए अगला प्रश्न देखिएगा। कह रहा है यदि किसी वर्ग की भुजा को 20% बढ़ाया जाए, आप देखिए, अब थोड़ा समझना भैया, एक वर्ग है, इसकी भुजा को कितना बढ़ाते हैं 20%, वर्ग की भुजा को 20% बढ़ाया जाता है, इंक्रीज किया जाता है, 20% इंक्रीज किया जाता है, तो उसके परिमाप में वृद्धि प्रतिशत क्या होगा? तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप क्या होता है, वो होता है 4a। तो इसके परिमाप में कितनी वृद्धि होगी, यही पूछा है हमसे, ठीक है, इसके परिमाप में कितनी वृद्धि होगी ये पूछा। हमेशा ध्यान रखिएगा, जो न्यूमेरिक वैल्यू हो वो क्वेश्चन पर कोई प्रभाव नहीं डालती है, जो न्यूमेरिक वैल्यू हो, न्यूमेरिकल वैल्यू हो, जो मैथमेटिकल वैल्यू हो, वो कभी भी प्रश्न पर कोई प्रभाव नहीं डालती, हमेशा परिवर्तन कौन करेगा, ए। हमारे पास कितने ए हैं, सिर्फ एक ए है, तो एक ए अगर एक बार बढ़ेगा तो कितना परसेंट बढ़ेगा, 20%, तो वर्ग के परिमाप में कितनी वृद्धि होगी, 20%, समझ गए। तो मीन्स एक नोट लिख लेना, एक नोट डाल लेना अपने किसी प्रश्न के नीचे, कभी जीवन में गलत नहीं होगा, यदि किसी वर्ग की भुजा को जितना प्रतिशत बढ़ाया जाए, जब किसी वर्ग की भुजा को जितने प्रतिशत बढ़ाया जाए उसका परिमाप उतने ही प्रतिशत बढ़ता है। अगर वर्ग की भुजा को 10% बढ़ाया गया तो उसका परिमाप 10% बढ़ेगा, अगर वर्ग की भुजा को 50% बढ़ाया गया तो उसका परिमाप 50% बढ़ेगा, अगर वर्ग की भुजा को 100% बढ़ाया गया तो उसका परिमाप 100% बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास भुजा एक ही बचती है, जब दो भुजाएँ होंगी तभी प्रतिशत परिवर्तन लगेगा। जैसे यहाँ पे कहता था उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, और क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, तो भुजा को दो बार तोड़ेंगे ए गुणे ए में, तो ए को एक बार 10% बढ़ाएंगे, ए को एक बार 10% बढ़ाएंगे, तो एक एक्स होगा और एक वाई होगा, तब जाके प्रतिशत परिवर्तन का फॉर्मूला लगता है। ऐसे प्रतिशत परिवर्तन का फॉर्मूला, जब तक दो वैल्यू आपके पास नहीं होंगी तब तक प्रतिशत परिवर्तन का फॉर्मूला नहीं लगेगा। और यहाँ पे एक कितनी बार है, सिर्फ एक बार है, तो एक बार बढ़ रहा तो 20% बढ़ रहा तो 20% ही बढ़ेगा। भैया परिमाप में सभी लोग प्रश्न को गलत कर देते हैं, और सभी लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 44% का आंसर लगा देते हैं, कहते हैं वही, क्योंकि परिमाप कोई पढ़ाता ही नहीं, सब लोग क्षेत्रफल वाले प्रश्न पढ़ा देते हैं, परिमाप वाले नहीं पढ़ाते हैं। और ये प्रश्न जो है आपका SSC GD 2021 में पूछा गया,
क्योंकि क्षेत्रफल वाला सभी लोग पढ़ा देते हैं और परिमाप कोई नहीं पढ़ाता, बच्चा इस पे ध्यान भी नहीं देता। बच्चा सोचता है चलो ये तो क्षेत्रफल ही पूछा जाता है, वही पढ़ो, परिमाप तो पूछा नहीं जाता है। लेकिन अब जो है ये प्रश्न पूछे जाएंगे तो इसके ऊपर ध्यान रखिएगा कि वर्ग के भुजा को जितना बढ़ाया जाएगा उसका परिमाप उतना ही बढ़ेगा जितना भुजा को बढ़ाया गया होगा। बताओ कोई डाउट कहीं पर, कोई समस्या, आगे बढ़ाया जाए। चलिए आइए, चलिए यहाँ से फिर कर लेते हैं क्वेश्चन से ना, अभी बहुत सारे प्रश्न पढ़ाने हैं। आज की एक छोटी सी क्लास पढ़ो, अभी वर्ग के बहुत प्रश्न हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। अभी वर्ग के चारों रास्ता निकलेगा, कुआं कूदेगा, सब कुछ होगा, ठीक है। पहले इतनी क्लास आज पढ़ो और कमेंट करके मुझे बताओ कि आपको मज़ा आया या नहीं आया। अगर मज़ा नहीं आया तब भी बता देना, अगर मज़ा आया पढ़ने में तो आगे फिर क्लासेस कंटिन्यू की जाएंगी। वर्ग को पूरा तीन क्लास से चार क्लास में मैं समाप्त कर दूंगा, फिर आयत को तीन से चार क्लास में समाप्त कर दूंगा। जो अलजेब्रा की तीन चार क्लासेस बची वो बहुत जल्दी हम आपको देके समाप्त करते हैं अलजेब्रा को ना। चलिए फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और पढ़ते रहो।